प्रयागराज से पुनीत कुमार त्रिपाठी, पत्रकार की रिपोर्ट। प्रयागराज एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। प्रयागराज के थरबई थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि परिवार की महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना थरबई के शिवराजपुर इलाके की है, जहां पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में राजकुमार, उनकी 2 बेटियां और बहू की मौत हो गई। वहीं राजकुमार की पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। ये प्रकरण थाना थरवई, जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहां पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है, उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है, वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। शार्प गला काटने की नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीठ से मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। किस तरह कपड़े आपके पास थे? इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।